हेलो दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं मेरी फर्स्ट जर्नी वंदे भारत के थ्रू कैसी थी, मैं आज ये डिस्कस करूंगा। मैं काफ़ी खुश था क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जर्नी करने वाला था वंदे भारत ट्रेन से पिपरिया से भोपाल की ओर। जैसा कि मैं बता दूं कि मैंने एक दोस्त से बात की, बोला यार प्लीज़ रिकॉर्ड कर दे, तो वो एग्री हो जाता है और वो सब रिकॉर्डिंग कर देता है। तो यह मेरे सामने वंदे भारत ट्रेन आ गई। देन इसके बाद हम गेट की ओर आगे बढ़ते हैं और गेट से इंटर करते हैं। तो जैसे ही इंटर करते हैं काफ़ी अच्छा फील होता है, काफ़ी खुश रहता हूँ मैं, काफ़ी मेरे चेहरे से आपको समझ में आ रहा होगा। देन इसके बाद मैं गेट को ओपन करता हूँ और अपनी सीट की ओर आगे बढ़ता हूँ, इधर उधर देखते हुए कि मेरा सीट नंबर कहाँ पे है। फाइनली मुझे सीट मिल जाती है, क्योंकि जबलपुर से ट्रेन आ रही होती है तो खाने का वितरण हो जाता है और मुझे काफ़ी तेज़ भूख लगी होती है। मैं खाने का स्वाद लेता हूँ, रोटी काफ़ी टाइट थी बट मैं पूरा खाना समाप्त कर देता हूँ, खाने का स्वाद काफ़ी अच्छा था। देन उसके बाद मुझे आइसक्रीम मिलता है, देन आइसक्रीम खाते हैं। फिर टाइम पास ना होने की वजह से मैं सोचता हूँ कि कुछ इसके जो फीचर्स हैं वो देखते हैं। तो जहाँ पे हम पैर रखते हैं वहाँ पे बॉटल होल्डर बना हुआ है जहाँ पे हम बॉटल रख सकते हैं। लगेज के लिए प्रॉपर रैक दिया हुआ है। देन उसके बाद हम गैंगवे एरिया में आते हैं, तो ये देखते हैं कि यहाँ पे एक CCTV कैमरा भी है और दोनों ओर लेबोरेटरी है जिसमें वेस्टर्न कमोड का यूज किया गया है, टॉयलेट रोल पेपर है, देन सेफ्टी रेल लगी हुई है, इधर आपका हॉपर विंडो लगा हुआ है, मेन ग्लास लगी हुई है जिस पे आप अपने आप को देख सकते हैं, मैं आपकी नल है और वाश बेसिन है। वाश बेसिन का लुक काफ़ी अच्छा है, मतलब जो आपके LHB कोच है उसे तो काफ़ी सुंदर है। देन इसके बाद मैं आ जाता हूँ अपने सीट की ओर। देन फिर मैं सोचता हूँ कि कुछ बाहर के दृश्य को भी हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि काफ़ी हरियाली रहती है और इसी के साथ काफ़ी हरा भरा सुहाना दृश्य बाहर का देखने को मिलता है जो कि मैं कैमरे में कैद करने की कोशिश करता हूं। उसी दौरान नर्मदा मैया का भी दर्शन हो जाता है, तो नर्मदा जी नीचे बह रही होती है और मैं उसका आनंद ले रहा होता हूं अपनी सीट पर बैठ के। फिर मैं नर्मदा जी को प्रणाम करता हूँ। देन उसके बाद इसी कड़ी के साथ मैं हबीबगंज स्टेशन, जिसे हम रानी कमलापति कहते हैं, वहाँ पहुँच जाता हूँ। दृश्य मेरा मन मोह लेता है। इसी के साथ धन्यवाद।